हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक संडे को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। तो मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में प्रश्नावली 5I में भाग 4 हम लेकर आए हुए हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक एनसीईआरटी पैटर्न पर। जो है दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक हल कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। यदि वाई बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 49y है। दोस्तों यहाँ में क्या हमको यही दिखाना, यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा क्यों, और करना क्या है हमको, d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ पर दिया, यानी कि इस वाले फलन का हमें 2 बार अवकलन करनी है। और देखिए, जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा तो पहले हम लोग देखेंगे सिद्ध करने के लिए में क्या दिया है, उसी आधार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या वाई है, तो कहीं ना कहीं हम इसको जब अवकलन 2 बार करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ये आएगा जो कि वाई के बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। वाई बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। तो इसका दोस्तों इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये हम लोग लिखेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए 500 ऐसे ही रहेगा, और e के पावर 7x है तो इसको t मान लेंगे तो e के पावर t का अवकलन क्या होगा, e के पावर t का अवकलन क्या होगा, इसका e के इसको 7x को हम लोग t मान लेंगे तो e के पावर टी हो जाएगा, ई के पावर टी का तो अवकलन करेंगे तो ई के पावर टी होगा, और टी किसको माने, 7x को, 7x, और 7x का अवकलन जब करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 600, और इसका क्या ई के पावर माइनस 7x है तो माइनस 7x को टी मान लेंगे, और यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ई के पावर टी आ जाएगा, तो ई के पावर टी कितना है, माइनस 7x, और माइनस 7x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस 7, तो यहां से हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका गुणा इसमें करा देंगे कितना आ जाएगा, 3500 ई पावर 7x, और यहां से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 4200 ई पावर माइनस 7x, ये हमारा आ गया। अब इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कितना 3500 ई के पावर 7, जस्ट वैसे ही करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, इंटू 7 बार हो जाए, और ई के पावर 7x, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 7 इंटू चला जाएगा, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4200 गुड़े माइनस 7 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख लेते 7, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और इंटू ई के पावर माइनस 7x ये हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम लोग अगर कॉमन लेना चाहें तो, या फिर इसका गुणा कर लें, या इसमें से हम लोग कॉमन अगर लेना चाहें तो क्या कॉमन होगा हमारा, 49 कॉमन होगा, 49 जब कॉमन लेंगे इसमें और इसमें से तो हमारा निकल कर आएगा 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x ये आएगा। अब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक कुछ हमें दिखाई दे रहा है जो कि y के बराबर है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, और ये हो जाएगा y, यहाँ पर y यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नंबर 24 भी देखिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी मार्क्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल सा इसमें बोर्ड में पूछा गया है। दोस्तों इसके बाकी इसके आगे क्वेश्चन सब भी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
ये तो बोर्ड में पूछा ही गया है। और जैसे BHU BSC का हो गया एग्जाम, UPTU का एग्जाम हो गया, या JEE मेंस का एग्जाम, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, या और ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क्स लगा। आप लोग ये मत ध्यान दीजिएगा कि सर हर क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट बोले। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं ताकि आप लोग इसे अच्छे से स्टडी कर लें। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें देखिए क्या हमको क्या दर्शाना क्या था। d2y/dx का dx स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं वैल्यू रखना है किसका, इसका इस पूरे का वन के बराबर, तभी तो हमारे dy/dx का होल स्क्वायर आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो हमारा e^y(x+1)=1 ये हमारा दिया हुआ है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, या वैसे ही अब इसका आगे यूज होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे हम प्रथम फलन मान लेते हैं और इसे द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, तो प्रथम फलन तो यहां से हमारा ये हो जाएगा, अरे इसको प्रथम फलन मान ले, इसको द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो प्रथम फलन e^y इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, मतलब x+1 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस द्वितीय फलन x+1 इंटू प्रथम का अवकलन करेंगे, मतलब e^y का अवकलन करेंगे तो y है तो इसको t मान लेंगे, तो e^t का अवकलन करेंगे तो e^t कितना था y, तो यहाँ पर लिख लेंगे y इंटू y का अवकलन करेंगे तो dy/dx, और यहाँ पर बराबर 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ हमको दिख रहा है क्या, e^y(x+1)=1 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये इसी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाए e^y(+1)(dy/dx)=0 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख लेते हैं dy/dx बराबर इस e^y को उस तरफ लेकर जाते हैं, e^y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x सापेक्ष पूर्ण अवकलन करने पर के सापेक्ष पूर्ण अवकलन करने पर, जब पूर्ण अवकलन करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx², और इसका करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो इसको मान लेंगे y को t मान लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस है ही e^t का अवकलन करेंगे e^t हो जाएगा, तो t क्या y है इंटू dy/dx, यहां से ये हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और यहां से हम यहां तक देखिएगा -e^y क्या समीकरण नंबर 2 में है, क्या e^-e^y बराबर कितना दिया है वैल्यू dy/dx, यहां पर रख लेते हैं, ठीक, यहां पर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx इंटू dy/dx, यहां पर क्या है d2y/dx², यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से e^-e^y का मान रखने पर, यहाँ पर रख कर यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इंटू है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा d2y/dx² क्या हो जाएगा dy/dx² यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि p²(a²cos²θ+b²sin²θ, तो सिद्ध कीजिए कि d2p/d²+p²a²b²q। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे उसमें क्या अदर वाले जैसे पिछला क्वेश्चन ही मान लेते, उसमें क्या था y बराबर कुछ समथिंग करके लिखा रहता था, तो उसमें क्या था हमारा जो फलन था जो y के बराबर, तो हमारा जो फलन था क्या था y और x में था, और यहाँ क्या है कि हमारा p²(a²cos²θ, इसमें क्या हमारा फलन किसमें है p और थीटा में है। ध्यान दीजिएगा p और थीटा में, p हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा
क्या है, चर राशि है, ठीक। और थीटा हमारा जैसे ये वैसे ये भी चर राशि है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमें सिद्ध करना क्या था, डी टू पी अपन डी थीटा स्क्वायर, मतलब इस फलन का हमें दो बार अवकलन करनी है। और यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन पी क्यू, अर्थात मतलब कहीं ना कहीं गुणा भाग हमको पी की करनी है ताकि पी क्यू आ सके। आइए पहले हम लोग पी स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ऐसे लिखेंगे थीटा लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे भूलकर, नहीं क्वेश्चन गलत माना जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 26, इसको वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क्स लगा लीजिएगा, ये बोर्ड के हिसाब से बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा और पूछा भी गया है कई बार, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये लॉन्ग में पूछता है। इसे आप लोग किसी न किसी तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसको मतलब ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा कि बोर्ड में आए तो हम इसे कर सके। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से ये क्या इसका इसको मान लेते हैं टी, ये यहाँ से इसका अवकलन टी स्क्वायर का, तो टू टी हो जाएगा और टू टी टी की जगह क्या माने थे पी, तो यहाँ पर पी हो जाएगा हमारा इंटू ये फिर क्या जाएगा डी पी अपन डी थीटा, एक्स में नहीं है अब थीटा में, तो थीटा लिखेंगे बराबर यहाँ क्या ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये ऐसे क्वेश्चन कहीं दिया रहे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा को हम लोग टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का मतलब टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो टू टी हो जाएगा, तो टू टी टी की जगह क्या माने थे कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख लेते हैं और कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक। उसी प्रकार जस्ट इसका भी करेंगे तो बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन थीटा को टी मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, तो वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू टी, टू टी टी की जगह क्या था साइन थीटा, साइन थीटा और इंटू साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा अब देखिए इसमें भी टू है, इसमें भी टू है और यहाँ भी टू, टू टू से कैंसिल हो जाए, कैंसिल ऐसे नहीं करेंगे कामन लेकर हम कैंसिल करें, शॉर्टकट में बता रहे हैं, यहां से कामन लेकर दो से दो कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब यहां से हमारा बचेगा क्या पी इंटू डी पी अपन डी थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्या ये यहां क्या हो जाएगा माइनस है ना, माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां से बराबर लिखेंगे। अब देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा पी इंटू डी पी अपन डी थीटा के हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे ये, अब हम इसको क्या अब फिर इसका करेंगे हम लोग थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर फिर लिखेंगे। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन से हो जाएगा, तो प्रथम फलन पी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी टू अपन पी अपन डी थीटा प्लस इसका क्या करेंगे द्वितीय फलन डी पी अपन डी थीटा इंटू पी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यही हो जाएगा क्या डी पी अपन डी थीटा, अभी आगे चलकर होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही है, इसको बाहर निकाल लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम लोग प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन के फॉर्मूले से करेंगे तो साइन प्रथम फलन
साइन थीटा इन दूती का अवकलन, दूती का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक। और फिर क्या प्लस दूती का दूती फलन कॉस थीटा इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक ये हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या p इंटू डी टू पी अपान डी थीटा बराबर डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये क्या साइन थीटा इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस माइनस यहाँ चिन्ह आ जाएगा और ये प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक। अब पी स्क्वायर से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, जब दोनों पक्षों में, तो यहां पर पी की जगह क्या हो जाएगा पी की पावर थ्री हो जाएगा इंटू डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर, यहां पर थीटा स्क्वायर होगा, ठीक। बराबर सॉरी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर प्लस है, प्लस है यहाँ बराबर, ठीक। प्लस प्लस पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोश में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लिखते हैं पी क्यू इंटू डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर, अब इसको उस तरफ लेकर जाते हैं, तो यहां पर कहते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में पी के पावर फोर्स जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी के पावर फोर जोड़ने पर, अब जोड़ने पर तो क्या सब में जोड़ देते हैं पी के पावर फोर प्लस पी क्यू डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर पी के पावर फोर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम लोग पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देखिए ये तो राइट हैंड साइड ये तो ये लगभग आ चुका है, इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पी स्क्वायर जब पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। माइनस अब यहां ध्यान दीजिएगा ये माइनस पी स्क्वायर डी पी अपन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको इसके अंदर लेकर जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं पी इंटू डी पी अपन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा उसमें पिछले में जब देखेंगे देखेंगे कि p इंटू डी पी अपन डी थीटा का वैल्यू वहां पर हम लोग रखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वही यहाँ पर जहाँ आइए हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा p इंटू डी पी अपन डी थीटा यही था ना, बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते, इसको मान लेते समीकरण नंबर एक, ठीक।
ये वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं इसका डीपी अपन डी थीटा का। आइए पुट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्या हम लोग पी इंटू डीपी अपन डी थीटा का मान समीकरण नंबर एक उसको माने तो लिख सकते हैं यहां पर समीकरण एक से रखने पर, ठीक। अब रख देते हैं तो बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर क्वेश्चन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसका वैल्यू रखेंगे वहां से तो इसका वैल्यू क्या था हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां देखिए माइनस लगा हुआ है पहले से, माइनस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या स्क्वायर है इसीलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका आपस में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में स्क्वायर हो जाएगा। हमने शॉर्टकट कर लिया है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे पी स्क्वायर का मान रख देंगे, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान क्या था वही क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन में दिया था पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, पी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। टू अब यहां पे देखिए ये इसका वैल्यू रख दिए, अब ये बड़े क्वेश्चन में अब इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग वही सेम रखेंगे फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या है थीटा प्लस क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस हो जाएगा यहां से माइनस हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहां से हो जाएगा, ठीक। और अब इसके बाद अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसमें गुणा करा देते हैं, अब इसको खोलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर का मान रखने पर अभी हम राइट लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लिख नहीं रहे हैं, आप सब लिख लीजिएगा, ये भूलिएगा मत हम यहाँ पहले, क्योंकि लॉन्ग इतना ज्यादा हो रहा है कि इसमें एडजस्ट नहीं होगा इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पैसे ही सेम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इसमें गुणा करा देते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस गुणा होकर माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तो और इसका ये इसको सेम लिखेंगे इतने को माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, अब बाकी को बचा है उसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में इसको इसमें से बचेगा क्या क्या उसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसको खोल देते हैं। ठीक, तो अब करेंगे क्या, इसका इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस के पावर फोर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पावर फोर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार इसको इसको भी करेंगे। अब देखिए हम गुणा करते जा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे से गुणा करना जानते हैं। ठीक, तो ए के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले फार्मूले को, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माइनस इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के पावर फोर प्लस ए के पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ दीजिएगा कि माइनस क्वेश्चन में क्या, बी के पावर फोर प्लस ए के पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से इस पूरे में गुणा करेंगे। ठीक, अब गुणा करके लिखते हैं तो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा प्लस ए के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन के पावर फोर थीटा। अब जब दोस्तों गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा ए के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ए के पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस वाले से माइनस है, इस वाले से कैंसिल, उसी प्रकार से बी के पावर माइनस बी के पावर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबको लिख लेते हैं हम, ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के पावर फोर थीटा प्लस साइन के पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी का फार्मूला दिख रहा है, यहां से यहां तक ये फार्मूला दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसमें क्या है कि इसका फोर एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर टू का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस जैसे कि इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसमें आपस में ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे तो ए वाला फार्मूले पर आधारित होगा। ठीक, अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसको हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कुछ दिख रहा है, हमने फार्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ठीक, यहाँ पर वन लिख लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन। अब दोस्तों राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, पी के पावर फोर प्लस पी क्यू इंटू डी टू पी अपा डी थीटा स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से पी के पावर थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा हमारा, पी प्लस डी टू पी अपन डी थीटा स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ से हमारा जाएगा पी प्लस डी टू पी अपन डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन पी क्यू। ये दोस्तों हमको सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर होगा। ये दोस्तों देखिए बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। नंबर 27 हमारा है, यदि y बराबर a e के पावर m x प्लस b के पावर e n x है तो दर्शाइए कि d2 y अपन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस m n y बराबर जीरो, ये हमको दर्शाना है। ठीक, तो दोस्तों पहले हम इसको लिख लेते हैं, y बराबर a e की पावर m x प्लस b e की पावर n x, ये है दोस्तों। इसको भी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको लिखेंगे एक्स के सापे अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर, इसको क्या मान लेंगे, ए हमारे इंटू में इंटू में यम यम एक्स को हम लोग टी मान लेंगे तो ई की पावर टी का, तो ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यम एक्स को मानेंगे तो ये यहाँ से हमारा निकल गया जाएगा यम एक्स का वन हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर m x। जस्ट उसी प्रकार इसका भी करेंगे तो b n e की पावर n x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक क्वेश्चन को और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब तुरंत फिर करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने। ठीक, अब यहां से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, जस्ट इसको भी करेंगे वैसे ही आएगा, इसको टी एम एक्स को टी मान लेंगे तो एम यहाँ निकल गया है तो यहाँ से हो जाएगा यम ए यम स्क्वायर ई के पावर यम एक्स। जस्ट इसी प्रकार ऐसे इसको भी कर लेंगे तो यहाँ पर बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन। अब लिखते हैं हमें सिद्ध करना क्या था, उसको लिख लेते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस यन इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस यम यन वाई बराबर जीरो। दोस्तों अब ये हमको क्या दिखाना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके जीरो दिखा दें, राइट हैंड साइड बराबर दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका डी टू वाई अपन डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं, ये समीकरण नंबर तीन से इसका वैल्यू रख देंगे, लिख लेंगे समीकरण नंबर तीन से डी टू वाई अपन डी एक्स का वैल्यू रखने पर और समीकरण नंबर दो से किसका वैल्यू रखने पर डी वाई बाई डी एक्स और समीकरण नंबर एक से वाई का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जब पुट अप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, ये हो गया माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स समीकरण नंबर दो से रख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स हो जाएगा प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा और वाई यहाँ से वाई का वैल्यू रखेंगे तो प्लस एम एन वाई का वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इंटू कोष्ठ में हो जाएगा ए ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी के पावर ई एन एक्स। यहाँ तक ये आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इतना ये आ गया है। अब यहाँ पर जो जो टर्म ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स अर्थात ए एम ई के पावर एम एक्स एक तरफ रखेंगे और बी एन ई के पावर एन एक्स टर्म जो होगा या एन स्क्वायर होगा ये इस टर्म को अलग करेंगे। जब इसको अलग करके फिर अलग कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जब अलग करेंगे तो उसके बाद हम लोग कॉमन इसमें ले लेंगे, इसे अलग अलग जब करेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे क्या ए एम ई के पावर एम एक्स, जब कॉमन लेंगे तो वह एम और एन के फॉर्म में आएगा, तो एक बार एम माइनस एन प्लस एन ये दिखेगा और इसमें से अगर इसको कॉमन लेंगे बी एन ई के पावर एन एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा एन माइनस एम माइनस एन प्लस एम, इस टाइप का आएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तब ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां देखिएगा प्लस एम माइनस एन माइनस एन प्लस एन, ऐसे यहाँ पे भी कैंसिल माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा ए एम ई के पावर एम एक्स गुणे जीरो हो जाएगा, उसी प्रकार बी एन ई एन एक्स गुणे जीरो हो जाएगा अर्थात ये हमारा हो जाएगा जीरो। यही हमको बराबर राइट हैंड साइड ये हमको दर्शाना था, यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।